नमस्ते, जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपना व्यू पॉइंट क्लियर कीजिए। क्या 52,200 तक हैं या फिर इस सीरीज़ के एंड में हम 53,000 भी देख सकते हैं बैंक निफ्टी का? उम्मीदें बहुत है बैंक निफ्टी से, क्योंकि डाइवर्जेंस भी है। आपने एक ही महीने के अंदर दो बार निफ्टी को ऑल टाइम हाई लगा के इन्जॉय किया, बट बैंक निफ्टी के साथ ऐसा नहीं हो रहा। तो जरा सर बैंक निफ्टी के बारे में ज़्यादा स्पेसिफिकली बताइएगा। बैंक निफ्टी में सेटअप बुलिश ही लग रहा है हमें। 51,500 के ऊपर जब तक बने हुए हैं, हमें लगता है कि यहाँ से टारगेट 52,800 की तरफ बनते हुए दिख सकता है। जिस तरीके से सारे पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में भी लोअर साइड से बाइंग देखने को मिली है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने भी एक अच्छा मोमेंटम दिखाया पिछले दो तीन ट्रेडिंग सेशन में। और एक जो शॉर्ट कवरिंग थी बैंक निफ्टी में, वो ऑलरेडी एक बार प्ले आउट होते हुए दिख चुकी है। जैसा कि हमने जब 51,000 के लेवल को क्रॉस किया था, तो काफी शॉर्ट्स वहां पे ऑलरेडी एक बार अपनी पोजीशन अनवाइंड करते हुए दिखे, और कल के मूव में भी हमने 51,500 के लेवल को जिस तरीके से क्रॉस किया, तो डबल शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे ऑलरेडी प्ले आउट होते हुए दिखी है। तो अब मार्केट अभी भी हमें लगता है कि यहाँ से रेडी है 52,200 की तरफ मूव होने के लिए। तो बैंक निफ्टी में लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रखेंगे हम, 51,750 स्टॉप लॉस रहेगा स्पॉट लेवल के हिसाब से। ओके, 51,750 का स्टॉप लॉस, यानी कि मौजूदा जो भाव आपको दिख रहा है उससे 200 पॉइंट नीचे के निफ्टी बैंक के लिए, ये आपके लिए इंडेक्स पर कंप्लीट रणनीति होगी। और अच्छा, हमारे एक्सपर्ट्स के ओपिनियन से भी ये साफ हो गया कि नहीं, जो मोमेंटम है ना वो निफ्टी बैंक में ज़्यादा है, और वहाँ पर आगे भी आपके लिए मौके बनते रहेंगे, क्योंकि निफ्टी ने अपना हाई तो बना दिया है लेकिन निफ्टी बैंक अभी भी अपने हाई से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो एक कैचअप की भी कोशिश बनती हुई दिख सकती है। नमस्कार, बताइए आपके शेयर्स कौन से होंगे? तो अभिषेक जी, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है टायर स्पेस से, और उसमें हमें लगता है अपोलो टायर को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। स्टॉक में एक अच्छा सेटअप यहाँ पे बनते हुए दिखा। स्टॉक में एक करेक्शन के बाद जिस तरीके से स्टॉक में एक पिछले दो तीन ट्रेडिंग सेशन में देखे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा, यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये कंटिन्यूटी यहाँ पे रह सकती है अपसाइड की। अपोलो टायर के टारगेट हम प्रोजेक्ट करें 550 तक के, स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 519 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो एनबीएफसी स्पेस से एलएनटी फाइनेंस। एलएनटी फाइनेंस में यहाँ पे एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला। स्टॉक कंफर्टेबली अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है, और डेरिवेटिव डेटा में भी लॉन्ग बिल्टअप के यहाँ पे साइन बनते हुए दिखे। तो हमें लगता है एलएनटी फाइनेंस एनबीएफसी स्पेस एक अच्छे मोमेंटम में भी है। हमें लगता है कि यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 187 तक के अपसाइड के टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 174 के आसपास। और तीसरा स्टॉक एक मिड कैप स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है ज्योति सीएनसी। ये स्टॉक में देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने बेस बना के वापस अपने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है। स्टॉक अब अपने 20-day 50-day मूविंग एवरेज को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। 200 ठीक है।